भुगाल मेले की शुरुआत विधिवत तरीके से पूजन कर नगर निगम द्वारा की गई है। मेयर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर, किस तरह की तैयारियां है इस बार मेले को लेकर? पहले तो आपको जारवीर गोगा जी महाराज के स्मृति मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको विदित है, ये क्षेत्र भारत भर में दूसरा क्षेत्र है जो कि शक्ति का केंद्र माना जाता है। गुरु गोरक्षनाथ पीठ की जारवीर गोगा जी महाराज की स्मृति में जहाँ पर लगातार काल कालांतर से मेला भी लगता है, साथ में अनेकों 20 दिन तक संस्कृति कार्यक्रम भी होते हैं, तो उन दोनों की पूरी ही तरह से हम लोग ने तैयारी की है, जिसके क्रम में आज पूजन का कार्यक्रम हुआ, इस निशान का, छड़ी का और विधिवत शुरुआत हुई। निगम के प्रशासनिक अधिकारी भी लगे हैं, आपके सभी पार्षद भी लगे हैं मेले को सफल बनाने में। पब्लिक के लिए क्या संदेश रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह पब्लिक को मेले के तरफ आकर्षित होना चाहिए वो नहीं हो पा रहे? देखिए, काल कालांतर में देखे जो मेले थे, त्यौहार थे, यह सब एक तरह की परंपराओं के केंद्र तो थे ही, व्यवसाय के केंद्र भी थे, जहाँ पर छोटे व्यापारी अपने सामान को प्रदर्शित भी करते हैं, बेचते भी हैं, और लोगों के लिए एक बहुत ही कई उपयोगी चीज़ें होती हैं जो वहीं उपलब्ध होती हैं। मैंने तो बचपन से देखा है, अनेकों चीज़ ऐसी है जो मुझे मेले में ही देखते हैं। जैसे एक फल है चकोतरा, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं मालूम, वो शायद मेले में ही मिलता था। लकड़ी का बाज़ार भी लगता है, खुर्जा की पॉटरीज भी लगती हैं, और हलवा पराठा भी खाने को वहीं मिलता है, तो वह तो एक मेले का भाग है। दूसरी तरफ है, 20 दिन तक लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हम लोगों ने प्रयास किया है, पिछले वर्ष भी प्रयास किया था, इस वर्ष भी प्रयास किया है, और आप सबके सहयोग से वह सांस्कृतिक कार्यक्रम मूल जो रूप है उसका, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का रूप है, सांप्रदायिक सौहार्द का रूप है, वह रूप में स्थापित हो, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने इस बार लोक संगीत, लोकगीत को लेकर भी कार्यक्रम है, श्री कृष्ण लीला का भी कार्यक्रम है, मेरा सहारनपुर मेरा गौरव का भी कार्यक्रम है, जिसमें कि सहारनपुर के गौरव के बारे में बखान होगा, और वहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम भी होगा, कवि सम्मेलन भी होगा, साहित्यिक संध्या भी होगी, मुशायरा भी होगा, दूसरी तरफ दंगल भी होगा, और इस तरह के सब कार्यक्रम उस दौरान आप देखेंगे होंगे, एक शाम शहीदों के नाम भी होगी, ये सब कार्यक्रम इस दौरान देखेंगे, और हमारे सभी पार्षदों ने मिलकर, समाज सेवी संस्थाओं के से मिलकर, पत्रकार बंधुओं के साथ मिलकर इन कार्यक्रमों में पूरी मेहनत कर रहे हैं, जिससे यह अपनी सफलता की प्रकाष्ठा को पार करें और लोगों के लिए मेला एक स्थायी छाप छोड़ के जाए उनके मन में। सहारनपुर के लोगों से क्या अपील करेंगे आप मेले? सहारनपुर के लोगों से अपील है कि वे मेले में आए, भ्रमण करें, अपने परिवारों के साथ रहने की जो एक परंपरा रही है मूलभूत हमारी, उस परंपराओं का निर्वहन करें, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लें, लेकिन स्वच्छता का ध्यान रखें। हम लोग भी पूरी स्वच्छता का वहाँ पर ध्यान रखेंगे, प्रकाश व्यवस्था का ध्यान रखेंगे, और हमारा प्रयास है कि मेले का एक क्षेत्र जो हमारे स्वावलंबी बनने के, स्वावलंबी भारत होने के दिशा में स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो कि छोटे कारीगर हैं, काम करते हैं, वह भी प्रदर्शन हम लगाएं, नशा मुक्ति को लेकर भी हमारा प्रयास है कि वहाँ पर कोई एक प्रदर्शनी लगाएं, गो आश्रय स्थलों से जो गोबर के द्वारा वस्तुओं उत्पाद हमारे बनते हैं उनका भी वहाँ पर प्रदर्शन करें, उन सबको हमने करने का प्रयास किया है।